এবার সরাসরি নজর রাখবো মহিলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাহুল গান্ধী। তারা কেন শাসক দলে কংগ্রেস পার্টি নেবে না? তো আমারে লিয়ে চাই ও মহিলা হো, পুরুষ হো, দলিত হো, আদিবাসী হো, বেঙ্গল কা হো, পঞ্জাব কা হো, হরিয়ানা কা হো, হমারে লিয়ে সব এক হ্যাঁ। হম সিফ এক চিজ দেখতে হ্যাঁ, ডরা ইয়া নাহি। আগর নাহি ডরা কংগ্রেসি হ্যাঁ, আগর ডর গিয়া কংগ্রেসি বননানা হ্যাঁ। আগর ডর গিয়া কংগ্রেসি বননানা হ্যাঁ, ডর কো নিকালনা হ্যাঁ আর কংগ্রেসি বননানা হ্যাঁ। ये फर्क है हमें उनमें। और आज क्या हो रहा है, आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी ने दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति किसानों के हाथ से, मजदूरों के हाथ से, छोटे दुकानदारों के हाथ से, महिलाओं के हाथ से निकालकर तीन चार लोगों के हाथ में डाल दिया। आज हिंदुस्तान में 10-15 लोग हैं जिनके पास दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति सब कुछ है। लाखों करोड़ रुपए हैं, कोई डर नहीं किसी चीज का। वो मोदी जी के मित्र हैं, उनका काम हो रहा है। मगर आप आम आदमी से पूछिए, किसान के घर जाइए, इस बार आप देखना दिवाली आ रही है, जाके पूछिए दिवाली मनाने के लिए आपके घर में कितना पैसा है बताओ, कहेंगे पैसा नहीं है। तो पूरा का पूरा पैसा नोटबंदी, जीएसटी, किसान बिल, कोरोना, मोनेटाइजेशन, लक्ष्मी की पूरी शक्ति हिंदुस्तान की पूरी जनता से खींच के चार पांच हाथों में कर दी। और जो आपको प्रोटेक्शन मिलता था, दुर्गा की जो शक्ति है, जो बोलना है बोल दो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का प्रधानमंत्री है, अच्छा ना, कोई बात अच्छी नहीं लगी खुल के बोलो, वो दुर्गा की शक्ति होती है, वो सब आपसे छीन ली। यूनिवर्सिटी में कहते हैं हम आपको बताएंगे क्या सोचना है समझना है, आरएसएस का संगठन बताएगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक शब्द नहीं बोल सकते, मैं जा ही नहीं सकता यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि मैं चला गया तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा देखो तुम्हारे खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, देखो तुम्हारे भविष्य किस प्रकार का बन रहा है, देखो तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, देखो मेक इन इंडिया झूठ है, वो बोलना अलाउड नहीं है, डरते हैं। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से डरते हैं, किसान से डरते हैं, महिलाओं से डरते हैं। ये आपका काम है देश को बताना कि नरेंद्र मोदी ने जिस शक्ति को हम लक्ष्मी कहते हैं उस पर आक्रमण किया है, जिस शक्ति को हम दुर्गा कहते हैं उस पर आक्रमण किया है, जिस शक्ति को हम सरस्वती कहते हैं उस पर आक्रमण किया है। यह आपका काम है और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यह है आपका चिन्ह, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरने की जरूरत है तो उनको डरने की जरूरत है आपसे। तो यह मैं मैसेज आपको देना चाहता था। आखिरी बात, नफरत से नहीं लड़ना, नफरत हमारा औजार नहीं है,
हमारा औजार प्यार है। क्योंकि जिस दिन देखिए हम नफरत से लड़ सकते हैं, मगर जिस दिन हमने नफरत से लड़ना शुरू किया उस दिन हम डर गए। मतलब नफरत डर का एक रूप होती है, सही बात, नफरत डर का रूप होता है। तो जिस दिन हमने नफरत दिखा दी उस दिन हमारे अंदर डर पैदा हो गया, हम कांग्रेसी नहीं रहे, हम वहीं मर गए। तो हमें डरना नहीं है, हमें प्यार से लड़ाई लड़नी है। और ये सारे के सारे आरएसएस वाले जो कंफ्यूज हो गए हैं, जिनके दिमाग में हिंदू धर्म के बारे में कंफ्यूजन घुस गया है, इनके दिमाग से प्यार से हमने कंफ्यूजन निकालना है, और जो इनका डर है उसको निकालना है, और उस डर को निकालकर अंदर प्यार डालना है। हमारा काम आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।